सो हे गाइस, जब से टिकटॉक बैन हुआ है कुछ लोगों के जीवन में उथल पुथल हो गई है। लोग टिकटॉक बैन होने पर लगातार खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे पहलुओं को भी जान लो जिनको जानने के बाद शायद आप भी उनका साथ देंगे। वैसे तो बहुत सारे क्रिएटर्स परेशान हैं, लेकिन अंजलि चौहान को ये सब पता लगने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि घर वालों से छुप कर वीडियो बनाकर वह टिकटॉक स्टार बनी। उनके घर वाले उन्हें टिकटॉक वीडियो बनाने से रोका भी करते थे, लेकिन अपनी जिद से वह कामयाब हुई। पर अचानक से उनका लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स वाला अकाउंट चला गया। अंजलि बेहद ही साधारण परिवार से थी, उनको स्पॉन्सर्स के थ्रू कुछ इनकम हो जाती थी, लेकिन वह भी बंद हो गई। अंजलि वैसे तो निराश नहीं होती हैं, इसीलिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। पर उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वह हमेशा सॉन्ग्स पर डांस करती हैं और यूट्यूब पर क्लेम आ जाता है, जिसकी वजह से यूट्यूब पर अर्निंग नहीं होती है। हाय फ्रेंड, आज सुबह से बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले लोग हमारे वहाँ आए थे और अभी पता नहीं शाम तक कितने लोग आएंगे। तो वो लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, ये टिकटॉक बैन हो गया है इस मैटर में, तो बोलो भला मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने सही किया या गलत इंटरव्यू ना देके। तो अब एक और क्रिएटर की हम चर्चा करेंगे। इनका नाम है शिवानी कुमारी। इन्होंने अभी 12th पास किया था और हाल ही में उन्होंने एक स्कूटी ली जिसका वीडियो बनाकर इन्होंने टिकटॉक पर डाला था। उसी शाम को पता चला कि टिकटॉक बैन हो गया। इस बात का पता लगने के बाद शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद बेहद ही सैड होते हुए उन्होंने एक वीडियो डाला जो आप देखें। हेलो फ्रेंड्स, सुन रहे हैं कि टिकटॉक बैन हो गया है, तो मुझे तो सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। और मेरा इतना प्यार टिकटॉक पे करने वाले हर, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो बोल भी नहीं निकल रहा है। तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है और जिसके बहुत तेजी से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये व्लॉग वीडियो बनाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें कोई क्लेम की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन सब के अलावा बाबा जैक्सन ने एक ऑडियो क्लिप जारी की है, जो क्लिप उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अभी ट्रेवल में हैं, यानी कि जो दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान हैं। उन सभी लोगों के लिए बाबा जैक्सन ने यह क्लिप जारी की है। बाबा जैक्सन, ये नाम थोड़ा यूनिक है ना, लेकिन इस बाबा जैक्सन नाम को पहचान आप लोगों ने ही दी है। अभी चलते हालात में बहुत से ऐसे मेरे आर्टिस्ट और क्रिएटर और बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो निराश होंगे कि वो अपने आर्ट को और अपने टैलेंट को आप लोगों तक कैसे लेके जाएं। पर आप सभी निराश ना हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं लेकिन टैलेंट नहीं। तो आप अपने आर्ट और टैलेंट को बेहतर बनाने पर काम कीजिए, बाकी प्लेटफॉर्म तो अपने आप बन जाएगा। तो हम आप लोगों तक किसी ना किसी जरिए कुछ अच्छा लाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।